हेलो स्टूडेंट, टुडे इन द 11th पीपीटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी वी डिस्कस द प्लानिंग कमीशन एंड द डिफरेंट प्लान्स ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट्स। देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जब 5 ईयर प्लान की बात की जाती है तो बेसिकली 5 ईयर प्लान जो होता है वो किसी गवर्नमेंट का जो मैनिफेस्टो होता है उसमें जो उसने टारगेट्स रखे होते हैं तो उनको किस तरीके से वो अचीव करेगी, इसका ड्रीम प्रोजेक्ट होता है बेसिकली। ये प्लानिंग कमीशन इसको गवर्न करता है। बहुत जो हमारे आईएएस हैं, प्लानर्स हैं जो कंट्री के, वो किस तरीके से हम अपने गवर्नमेंट द्वारा सेट ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करेंगे उसका एक प्लान डिसाइड करते हैं। और हर गवर्नमेंट का अपना एक एरिया होता है जिस एरिया की ओर वो ध्यान मुख्यता देती है, तो वो 5 ईयर प्लान्स में हम देखने को मिलता है। ठीक है, इंडिया में जब आप इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करते हो तो ये एक ओपन प्रोसेस के तहत होता है जिसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, डिबेट्स हैं या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, अलग अलग सत्ता पक्ष विपक्ष की बात जब होती है, डिफरेंट कैलकुलेशन एजम्पशन के आधार पर ये डिसाइड होता है। और पॉलिसी मेकर्स प्लान को डिसाइड करते हैं जो कि सेंसिटिव भी हों, रिस्पॉन्सिव भी हों, और कहीं ना कहीं जो नेशनल और इंटरनेशनल इशूज़ है और हमारे रिसोर्सेज के आधार पर वो मैक्सिमम यूटिलिटी प्रोवाइड कराएं और डेवलप्ड नेशन की ओर हमें ले जाएं। तो ये हमारे इकोनॉमिक प्लान को बनाने का जो मेन प्रोसेस रहता है। देखिए, हम प्लानिंग कमीशन की थोड़ी सी ओरिजिन की ओर या फिर हिस्ट्री की ओर जाते हैं तो 1951 पे जो हमारा फर्स्ट प्लानिंग कमीशन है वो बहुत सारे इफेक्ट्स के बाद जो है, एफर्ट्स के बाद जो है वो चालू हुआ। जिसने इससे पहले अगर आप देखेंगे तो नेशनल प्लानिंग कमेटी जो 1938 में बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उसमें जब ब्रिटिशर्स ने इंडियन को कहा था कि आप प्लान पहले डिसाइड कीजिए और एक इंटरिम गवर्नमेंट बना के दिखाइए, अगर आप उसको चला पाते हैं तो हम आपकी फ्रीडम की ओर आगे बात करें। बॉम्बे प्लान और गांधीयन प्लान से ये इन्फ्लुएंस था। ट्रेड यूनियन प्लान जो 1945 का था, उसके अलावा जयप्रकाश नारायण का जो सर्वोदय प्लान था, तो इन सब प्लान से ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस था। और जो 5 ईयर प्लान की जो सबसे पहली योजना दिखती है वो सेंट्रलाइज इंटीग्रेटेड वे में जो नेशनल प्रोग्राम की दिखती है वो सबसे पहले सोवियत यूनियन में दिखती है, जो कि लेट 1920s में इसको शुरुआत वहाँ हुई थी फर्स्ट टाइम। और इंडिया में अगर आप बात करते हो तो ये 1951 में लॉन्च किया गया था जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था। तो उस ये इन्फ्लुएंस था प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की प्रोग्रेसिव सोच से, जिन्होंने मार्च 1950 में ही प्लानिंग कमीशन का एक कॉन्सेप्ट जो है वो देश को दे दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो रिसोर्सेज को बढ़ाना, प्रोडक्शन को बढ़ाना और अपॉर्चुनिटी के साथ साथ फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना जो था वो मुख्य ऑब्जेक्टिव था जो उस टाइम था। फंक्शंस देखिए इसके क्या हैं, कंट्री के रिसोर्सेज को असिस करने के बाद एजम्पशंस को बनाना, उसके बाद वो किस तरीके से कहाँ कहाँ एलोकेट हो सकते हैं, प्लान को फॉर्मुलेट करना, इफ़ेक्टिव बैलेंस यूटिलाइजेशन करना कंट्री के रिसोर्सेज का, जो हैम्परिंग फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनको इंडिकेट करना, और जो भी मशीनरी है जो नेसेसरी है सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस प्लान की, उसको आगे बढ़ाना, साथ ही साथ पीरियोडिकली जो है असिसमेंट करना किसी प्रोग्रेसिव प्लान की कि वो उसकी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये सब जो है बेसिक फंक्शन कमीशन के। इसी के साथ साथ कमीशन जो है वो आउटपुट को मैक्सिमाइज करना, जो चेंजिंग इनपुट से आउटपुट की चेंजिंग है उसमें मैक्सिमाइजेशन करना, प्लानिंग कमीशन का जो एक स्ट्रेटजिक विजन में एक अच्छा फ्यूचर बनाना, एक अच्छा फ्यूचर इंडियंस के लिए लेके आना, सारे सेक्टोरियल टारगेट को अचीव करना, जो भी कैटलिस्ट इकोनॉमी के हैं जो बढ़ाने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले हैं, उन्हें राइट डायरेक्शन में ले जाना, और इंटीग्रेटिव रोल एक प्ले करना जो हॉलिस्टिक अप्रोच में सारी पॉलिसीज़ को और सारे क्रिटिकल एरिया जो ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकें, तो उनको प्लान्ड वे में आगे करना, ये प्लानिंग कमीशन का बेसिक फंक्शंस था। और इसी के आधार पर प्लानिंग कमीशंस को बनाया गया जिससे कि देश आगे की ओर गति प्राप्त कर सके। देखिए, उसके बाद जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा है 1951 से 56 का रखा गया था, जिसमें टारगेट ग्रोथ जो थी वो 2.1 थी जबकि एक्चुअल ग्रोथ जो है वो 3.6 थी। ये ग्रोथ के हिसाब से बहुत अच्छा रहा, ये जो हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित था। इस टाइम देखिए एक रिफ्यूजी की समस्या थी, जिनको फूड सर्व करना, उनको शेल्टर प्रोवाइड कराना, क्योंकि अगर हम देखें तो मिलिटेंट्स जो पाकिस्तान और कश्मीर की जो हुआ था उसके दौरान
बहुत सारे जो रिफ्यूजीज थे वो इंडिया में आए थे, तो रिफ्यूजी को सेट करना और कंट्री को आगे ले जाना ये बहुत बड़ा एक काम था उस टाइम, और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल रखना था। तो एक प्लांट फोकस वे जिसमें एग्रीकल्चर को ध्यान दिया गया, प्राइस स्टेबल रखे गए, पावर ट्रांसपोर्ट इरिगेशन का इसमें बहुत ज़्यादा काम हुआ, जो बांध को बढ़ाने की ओर बनाने की ओर यहाँ पर प्लान्स आए, रिहैबिटेशंस करना था, उनको फूड सप्लाई प्रोवाइड करानी थी, तो यहाँ पर काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने अचीव करा। जवाहरलाल नेहरू की फर्स्ट गवर्नमेंट थी ये जो था, इसमें टोटल 3,360 करोड़ जो है वो अलॉट किए गए थे, जिसमें 1,560 करोड़ जो पब्लिक सेक्टर के लिए, जबकि 1,800 जो है वो प्राइवेट सेक्टर के विकास के लिए अलॉटमेंट था। काफ़ी अच्छा फर्स्ट फाइव ईयर प्लान रहा था ये। देखिए सेकंड फाइव ईयर प्लान की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट सेम ही थी, जवाहरलाल नेहरू का ही टाइम था, ग्रोथ इसमें 4.5 रखी गई जबकि एक्चुअल ग्रोथ 4.3 रही। बेसिकली इसका पर्पज़ ये था, जो फर्स्ट जो प्लान प्लानिंग कमीशन था, जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान, उसी को आगे की ओर ले जाना, ये भी जो हैरोल्ड डोमर के सिद्धांत पर था, लेकिन इसे पीसी महालनोबिस जो प्लान है वो कहा जाता है। तो जो महालनोबिस सर थे वो कलकत्ता प्रेसिडेंट कॉलेज, जो प्रेसिडेंसी कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज था, वहाँ के फेमस स्टेटिस्टियन थे। इनका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की ओर इंडिया को ले जाना और एग्रीकल्चर को लोअर प्रायोरिटी देना, लोअर प्रायोरिटी यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना। लोअर प्रायोरिटी इसलिए मिलेगी क्योंकि अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हो तो ये प्लान फोकस करता था। सेकेंड जो प्लान था वो हैवी इंडस्ट्री की ओर, इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर, और इस प्लान को जो है वो क्या बोलते इसको जो अलॉटमेंट टोटल रुपीस का था वो जस्ट डबल हो गया था, 6,750 करोड़ रुपीस का अलॉटमेंट यहाँ टोटल किया गया था। देखिए थर्ड फाइव ईयर प्लान की जो टाइमिंग रही वो 61 से 66 रही, जिसके शुरू के 4 साल 27 मई 64 तक नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद 64-66 तक जो है वो शास्त्री जी ने जो देश को चलाया था। टारगेट ग्रोथ उसमें 5.6 थी जबकि एक्चुअल ग्रोथ केवल 2.8 मिल पाई। यहाँ पर इकनॉमी जो है टेक ऑफ स्टेज में थी, तो बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसे फेस करनी पड़ रही थी, एग्रीकल्चर एकदम से गिर गया था। यहाँ ये वही टाइमिंग है देखिए जब हमने चाइना से वॉर भी लड़ा था, ये फेलियर था जो एग्रेशन चाइनीज का आया था 62 में, फिर 65 का जो इंडो पाक वॉर था, फिर उसके बाद जो ड्रॉट पड़ा था जिसमें हम खाद्यान्न से संबंधित शास्त्री जी ने मंगलवार को उपवास रखने के लिए और एक दिन खाद्यान्न बचाने के लोगों से अपील की थी। तो ये स्टेज पे इंडिया ने, इस फाइव ईयर प्लान में इंडिया ने बहुत सरवाइव करा, यहाँ टेक ऑफ स्टेज थी, लेकिन हाँ इसके बाद जो फाइव ईयर प्लान आया वहाँ इंडिया की ग्रोथ एकदम खुली और वो आगे की ओर बढ़ा। जब इसके बाद देखिए 3 साल तक, क्योंकि फाइव ईयर प्लान बनाने की पोजीशन में हम नहीं थे, बहुत डाउनफॉल आ चुका था, तो यहाँ जो थर्ड फाइव ईयर प्लान का जो फेलियर था उसको बूस्ट करने के लिए इकोनॉमिक, तो 3 जो एनुअल प्लान्स लाए गए जिसमें इसको प्लान हॉलीडे बोला गया, यानी फाइव ईयर प्लान्स को रोक दिया गया। यहाँ फूड शॉर्टेज को बढ़ाना, एग्रीकल्चर पे आगे वो देना, कुरियंस की जो क्रांति रही, तो एक पाथ देना जो प्लांट ग्रोथ को आगे बढ़ा सके, ये इसका मेन एम था। देखिए फोर्थ फाइव ईयर प्लान जो थे वो 69 से 74 था, जिसकी ग्रोथ को 5.7 मापा गया जो कि 3.3 रही। इसमें भी देखिए बहुत सारे चैलेंजेस हमें देखने पड़े, एक तो हमारा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को लेके टारगेट्स थे जो कि ये काफ़ी हद तक यहाँ इम्प्लीमेंट भी हुए, इसको अचीव करा हमने, और जो बांग्लादेशी रिफ्यूजीज थे जो 71 के इंडो पाक वॉर के दौरान आए थे, तो उस समस्या से देश शरणार्थी समस्या से गुजर रहा था, प्राइस सिचुएशंस थी बिगड़ गई थी, तो उस टाइम पर फूड ग्रेन्स में वृद्धि करना, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कराना और साथ ही साथ प्राइस को स्टेबल रखना, तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो अचीवमेंट था गवर्नमेंट के लिए उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो। तो ओवरऑल ये प्लान भी इंडिया के लिए सक्सेसफुल रहा। देखिए वैसे तो जो फिफ्थ फाइव ईयर प्लान रहा 74 और 79 के बीच में, ये मिला जुला असर रहने वाला रहा, इसमें टारगेट ग्रोथ से ज़्यादा आपको एक्चुअल ग्रोथ मिली जो 4.4 से 4.8 दर्ज की गई। गरीबी हटाओ का जो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी का मुद्दा आया, इसमें रेट ऑफ ग्रोथ है, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन इनकम और सिग्निफिकेंट ग्रोथ भी दर्ज की गई, बट कुछ इन्फ्लेशन की वजह से जो कॉस्ट कैलकुलेशन की गई थी
वो कहीं ना कहीं तक बहुत हद तक सही नहीं बैठी। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो नेशनलाइजेशन हुआ वो इस प्लान के तहत ही हुआ, और जो इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो अनइवन था उसको बराबर करने की, न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के बेसिक एरिया की ओर यहाँ देखा गया। और फिफ्थ 5-ईयर प्लान में इंडिया में बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर्स में नई नई जो जॉब्स भी क्रिएट हुई, तो यहाँ जो 5-ईयर प्लान की जो बेसिक अचीवमेंट थी। उसके बाद देखिए रोलिंग प्लान जो आया 78 से 80s के टाइम पे, जब हम देखिए वहाँ पर पॉपुलेशन पॉलिसीज वाली बात जब वहाँ की इंडिया ने इमरजेंसी देखी, इमरजेंसी के बाद जो कांग्रेस की सरकारें थी वो चली गई, गवर्नमेंट जनता गवर्नमेंट फॉर्म हुई, जो फॉरवर्ड गवर्नमेंट अलग प्लान लेके आई, जो 78 से 83 के बीच का जो टाइम इंडिया के लिए रहा वो बहुत अच्छा नहीं रहा। तो वो नेहरू मॉडल को क्रिटिसाइज़ करने वाली वहाँ गवर्नमेंट बनी। बेसिकली उन गवर्नमेंट्स के अलग अलग प्लान रहे 2 साल तक, लेकिन वो बहुत सक्सेस नहीं रहे, और सक्सेस ना रहने के साथ साथ इस दौरान जो भी उन्होंने प्लान लॉन्च करे उसमें फेलियर ही हुआ और गरीबी पॉवर्टी इंडिया में क्रिएट हुई। बाद में फिर से गवर्नमेंट जो कांग्रेस की थी वो रिवाइज्ड हो गई, और उसके बाद जो है वो अगला 5-ईयर प्लान जो है 6th 5-ईयर प्लान आया जो 80 से 85 के बीच में था। इसका भी बेसिक टारगेट जो था वो 5.2 का था, जबकि एक्चुअल ग्रोथ ज़्यादा रही, 5.7 रही। ये गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है 6th 5-ईयर प्लान इंडिया का, जिसमें देखिए मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी का हुआ, कंटिन्यूस पॉवर्टी डिक्रीज हुई, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हुआ। 6th 5-ईयर प्लान जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिकॉर्ड स्तर तक हुआ, आउटपुट जो प्रीवियस ईयर के थे वो सारे छूट गए। मतलब ये एक गोल्डन पीरियड था इंडिया का, गवर्नमेंट जो थी इंदिरा गवर्नमेंट थी उस, मतलब सारे के सारे सेक्टर्स में अगर देखा जाए तो इंडिया सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा था, और काफ़ी हद तक हम पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट को मैनेज कर पाए थे इस 5-ईयर प्लान के दौरान। कंट्री सेल्फ डिपेंडेंट की ओर आगे आशावादी हो रही थी, आशावादी सोच में बढ़ रही। देखिए 7th 5-ईयर प्लान जो इंडिया में था उसमें कंप्यूटर युग भी इंट्रोड्यूस हुआ था नया नया, उसमें फूड है, वर्क है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ये रिकॉर्ड ग्रोथ इसमें जो है वो अचीव की गई। जो 1985 से 90 तक चला था इसमें जो ग्रोथ रही इंडिया की वो 5.0 जो है टारगेट की गई थी, जबकि 1% पूरी बढ़ी हुई हमारी ग्रोथ रही और 6% ग्रोथ रही। शायद अभी तक का सबसे सक्सेसफुल जो प्लान आया था वो ये प्लान था 7th 5-ईयर प्लान। इसमें काफ़ी हद तक पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी भी लाई गई, राजीव गांधी गवर्नमेंट द्वारा इसको बेसिकली चलाया गया था, तो काफ़ी हद तक प्रोडक्शन को रेज किया गया, अपॉर्चुनिटी आई, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ, और न्यू टेक्नोलॉजी का भी याद हुआ इंडिया में। यूथ को आगे लाने के लिए, यूथ को पॉलिटिक्स में लाने के लिए, या यूथ को अपॉर्चुनिटी बढ़ाने, उनको चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन करना हो या अदर मेथड हो, यूथ को आगे बढ़ाने का काम इस गवर्नमेंट या इस प्लान में किया गया था। फिर जो 8th 5-ईयर प्लान था 92 से 97 के बीच में जो प्लान चला था, तो ये 8th प्लान ये भी देखिए एक तरीके से थोड़ा सा पोस्टपोन रहा 2 साल तक बीच में, क्योंकि 91 में इंडिया के हालात प्रॉपर नहीं थे, राजीव गांधी हत्याकांड के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट को आई थी। 91 में देखिए इंडिया जो है वो रिसेशन आया था, इंडस्ट्री जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो डेप्ट बर्डन बढ़ गया था, और इंडिया को अपना गोल्ड रिजर्व भी जो है वो बहुत सारी जगह उसको रखाना पड़ा था, और डेप्ट इंक्रीज होता जा रहा था। तो इस 91 के जो फॉल एकदम आया था उस फॉल को पूरा करने के लिए 92 से 97 में पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, जिसके अंडर फाइनेंस मिनिस्टर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने टारगेट ग्रोथ 5.6 सेट करा, जिसको एक्चुअल भी 6.8 से अचीव किया गया। इस दौरान लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन LPG का जो कॉन्सेप्ट था उसे लाया गया, फिजिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, लिबरलाइजेशन पॉलिसीज आई और प्राइवेटाइजेशन की ओर देश को ले जाया गया, और अनसर्टेनिटी के दौर से सर्टेनिटी के दौर में रहा, चाहे बजट डेफिसिट को बैलेंस करना हो, चाहे रिसेशन या इन्फ्लेशन से आई दिक्कतों को दूर करना हो, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन सभी बातों को पूरी तरीके से
ठीक करने में। फिर 9th 5-year plan जो कि 1997 से 2002 के बीच की बात है, जिसमें जो फर्स्ट प्योर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो रही अटल बिहारी वाजपेयी की, उसने जो टारगेट ग्रोथ 6.5 रखी जबकि एक्चुअल ग्रोथ 5.4 रही। इसमें देखिए जस्टिस, सोशल जस्टिस और इक्विटी की बात की गई, साथ ही साथ फॉरेन रिजर्व से रिगार्डिंग बहुत सारी बातों को, और किस तरीके से यूनाइटेड फ्रंट में इंडिया को आगे बढ़ाया जाए, एजुकेशन वाइज हो, हेल्थ वाइज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हो, और कैसे हम बहुत सारे जो नए नए सेक्टर्स हैं उन प्राइवेट सेक्टर्स में अब जो पार्टिसिपेशन है उसे बढ़ाएं, और साथ ही साथ इसके हम इंफ्रास्ट्रक्चर विंग में भी हमने बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर लेके आए। तो 1997 से 2002 का जो टाइम रहा वो इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना, सोशल सेक्टर, एजुकेशन को ऊपर ले जाने का यहाँ पर मुख्यतः काम किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए जो ये 10th plan रहा, ये 2002 से 2007 के टाइम का, तो ये यूपीए फर्स्ट गवर्नमेंट मनमोहन सिंह के अंडर में रही। इसका जो नेशनल प्लान का ऑब्जेक्टिव था वो जेंडर गैप को रिड्यूस करना, मेर्टिलिटी, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को कम करना, लिटरेसी है, पोर्टेबल ड्रिंकिंग फैसिलिटी, क्लीनिंगनेस है, रिवर्स को सही करना, और उसके अलावा ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, एग्रीकल्चर्स को वर्कफोर्स मूव कराना, और प्राइम जो है वो इकोनॉमी का फैक्टर्स बनाना। तो बहुत सारे इस क्षेत्र में काम किए गए जो कि देश को आगे ले जाने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ भी इसमें जो टारगेट ग्रोथ थी वो 8 को 7.6 काफ़ी हद तक अचीव किया गया। तो ओवरऑल ये जो 5-year plan था ये काफ़ी हद तक ठीक प्लान था, इसने काफ़ी जो अचीव जो है वो चीज़ें करी थी। उसके अलावा यहाँ टेक्नोलॉजिकल एरिया में एक और हमें इसमें बात समझनी कि टेक्नोलॉजिकल एरिया में न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराना, और जितने भी जो बैंकिंग और फाइनेंशियल स्कीम्स थी उनके आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बल देना, तो ये भी इस गवर्नमेंट की एक बेसिक नीति रही। और इसी जो 2010 के दौरान जो नेशनल जो यहाँ गेम्स जो होने थे तो उसके आधार पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सुधार किया गया और स्पेशल फंड उसके लिए अलॉट किया गया, और यहाँ पर गेम्स हुए 2010 में सक्सेसफुली हमने वो ऑर्गेनाइज कराए दिल्ली में। फिर 11th 5-year plan की अगर हम बात करते हैं जो कि 2007 से 2012 तक रहा, तो 11th 5-year plan में जो ग्रोथ थी वो यूपीए सेकंड में एक कॉमन मैन, आम आदमी को हेल्प करने वाला, इसमें आरटीआई का चाहे हो, चाहे राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड कराना हो, और ग्रोइंग इकनॉमी को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी बनाना, जिसमें कि टारगेट ग्रोथ 9 से अचीव कर ली गई 8, और इंडस्ट्रियल सेक्टर है चाहे अदर जो सेक्टर हैं, देखिए यहाँ पर जो हमारी इकनॉमी थी वो चाइना के लगभग बराबर की इकनॉमी है, तो चाइना की इकनॉमी की बराबरी करना और सबसे रैपिड ग्रोथ वाली इकनॉमी बनना, तो इस क्षेत्र में चाहे हमारे यहाँ स्पेक्ट्रम से रिगार्डिंग चीज़ें हों, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो, न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी हो, तो काफ़ी हद तक नए नए क्षेत्रों में, नए नए सेक्टर्स में, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में कॉम्पिटिशन्स को बढ़ाने और ग्लोबल इकनॉमी और फॉरेन इन्वेस्टर FDI की नई नई तकनीक को बढ़ाने और आम आदमी को आगे करके अचीव करने, गोल अचीव करने की ओर गवर्नमेंट्स ने ध्यान दिया। देखिए 12th और जो 13th 5-year plan है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसको जो करंट 5-year plans को डिस्कस करना थोड़ा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।